और बिजनेस, जहां तक बिजनेस का सवाल है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि वो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी सहयोग उसी चीजों पर चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच साफ है, मानना यह है कि एफडीआई समाजवादी पार्टी अलाउ नहीं करेगी रिटेल में उत्तर प्रदेश में। देखिए मायावती ने आज कहा मायावती ने है कि 9-10 तारीख को जिसकी मीटिंग होगी तय करेंगे कि इस मुद्दे पे सरकार से समर्थन लिया जाए या ना लिया जाए। ममता बनर्जी ने उनको 72 घंटे का टाइम दे दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है बाहर से समर्थन कर रही है, अगर वो एफडीआई को देश में लागू करते हैं और आपका मानना है इससे किसान और छोटे जो बिजनेस हैं वो खराब होंगे, तो क्या आप समर्थन वापस लेंगे? इस फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किस तरीके से समर्थन जारी रहे। और ये सवाल कई बार पूछा गया, जहां तक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन है, लेकिन एफडीआई रिटेल पर राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जो बातें मैंने उस समय कही थी चुनाव में भी तमाम जगह सवाल किए गए। हम ये चाहते कि एफडीआई लाना चाहते हैं तो बिजली के क्षेत्र में लाएं, सड़क के क्षेत्र में लाएं, लेकिन रिटेल में आ जाएंगे तो हमारे दुकानदारों का क्या होगा? मान लीजिए किसानों का जो दूध है या दूध के प्रोडक्ट है उनका क्या होगा? क्या उनको इतनी मदद मिल पाएगी? और भी बड़े हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनका क्या होगा? इसीलिए इस पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी रिटेल में एफडीआई के पक्ष में नहीं है, ना वो स्टोर खुलने की अनुमति सरकार देगी। मुख्यमंत्री जी, ये पीपीपी मॉडल की बात करते हैं आप, आगरा में लगातार विवाद चल रहा है और को लेकर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? सीएजी की रिपोर्ट जो आई है उसमें पावर कॉर्पोरेशन को बड़ा घाटा हुआ है। तो ये जब आगे बात बढ़ी इस पर सरकार ने फैसला किया है कि अगर आगे अगर बढ़ेगी तो बिना रिवाइज किए रिवाइज रेट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते इस पर, और सीएजी के बाद उस पर कार्रवाई होगी। अभी और भी आगे जाना उस पर कार्रवाई होगी। आगरा के लोग लगातार सड़कों पे हैं, हंगामा चल रहा है कई दिन से, पिछले दिन हंगामा। आगरा में हम लोग गए थे, बड़े वहां के कुछ लोग मिले थे हमसे और प्रेस के लोग भी मिले थे, उन्होंने जो बिंदु रखे थे उन पर सरकार विचार करेगी, और सरकार जो अनियमितताएं हुई हैं अगर जांच टीम बना करके उस पर फैसला लेगी। वो तो जिन किसानों पे खेत है उनके खेतों में पानी जाएगा तो मुफ्त पानी जाएगा। तो अब जिनके कैसे खेत नहीं है तो वो चिंतित तो होंगे ही। है? हेलो, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है, ये पड़ी रहती है और जबरदस्ती रिक्शे वाले और टेम्पो वाले से खींच करके और बिल्कुल कुछ से उनका बड़ा होता। आप क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, सरकार ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, इस पर सरकार जरूर फैसला लेगी और ऐसा नहीं होगा। अखिलेश जी, आपकी सरकार किसानों की बात करती है, इधर से आपकी सरकार किसानों की बात करती है। 2 दिन पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर सरकार के तमाम सहयोगी दल हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। सबसे पहले आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस मामले पर, और क्या यूपीए सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं आप लोग? लोकसभा में भी जब भी ये सवाल आया है पार्टी ने इसका विरोध किया है, और डीजल के महंगाई जो हुआ है महंगा उस पर भी विरोध दर्ज किया है समाजवादी पार्टी ने। क्या इस मामले पर